Then, first of all, how the life originate? Theory of origin of life. So there are number of theories for origin. बहुत सारी theories होती हैं. तो theory में इसी theory में सबसे पहले जो theory है वो है theory of special creation. पहला बताया. First जो theory है theory of special creation. Theory of special creation. Special creation. You know, special creation. According to this theory, इस theory के according क्या था? Life come from या life originate जो life का origin हुआ by a super power that is God. कि God ब्रह्मा ने life को originate किया. तो क्या बताया इस स्टोरी का बेस क्या था अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी इस स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या बताया गॉड क्रिएट द यूनिवर्स गॉड क्रिएट द लाइफ गॉड क्रिएट लाइफ कि गॉड ने लाइफ को क्रिएट किया विद इन सिक्स नेचुरल डे विद इन सिक्स नेचुरल कि छह दिन में गॉड ने लाइफ को क्रिएट कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अब देखिए फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी थ्योरी आती है वो सही है गलत है इसका डिसीजन तो जब उसका प्रूफ हो जाता है हालांकि इनके कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं थे तो ये थ्योरी डिस्कार्ड कर दी गई बट फिर वही बात आ गई कि फिर ये थ्योरी आप बोलेंगे कि सर ये थ्योरी फिर आई क्यों जब गलत ही है तो हम पढ़ ही क्यों रहे हैं वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको पता चले कि किसी के ब्रेन में किसी के दिमाग में तो ये आया किसी ने तो सोचना शुरू किया कि लाइफ आई तो आई कैसे चाहे उसने गलत ही सोचा हो गलत ही बात दी हो अगले के दिमाग में तो कुछ डाला ना कि हाउ द लाइफ ओरिजिनेट कि लाइफ कैसे आई मैंने कोई चीज गलत बता दी गलत व्यू डाल दिए जैसे कि मैं बताता हूं कि अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि वो बात मैं भी अभी हो सकता है कि मैं आपको बता रहा हूं तो हो सकता है कि आपको भी अजीब सी लगे मैंने अपने जो सीनियर्स थे जो हमारे एचओडीज थे तो उनके सामने डाला क्यों ना ह्यूमन के अंदर क्लोरोफिल डेवलप करवा दें यदि क्लोरोफिल हमारे अंदर डेवलप हो जाती है देन तो क्या होगा वी बिकम फोटोसिंथेटिक लेकिन इसके ड्रॉबैक भी तो बहुत ज्यादा है ना इतना आसान थोड़ी ना कि मैंने बोल दिया क्लोरोफिल का इंजेक्शन लगा लिया भाई लगा दो इंजेक्शन और क्लोरोफिल डेवलप होगी ऐसा थोड़ी ना होता है मीन उसके लिए पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग चाहिएगी चलो जैसे तैसे कर भी दिया जाए हालांकि इतना आसान पॉसिबल ये नहीं है क्योंकि प्लांट की चीजें एनिमल में फिट करना एनिमल उसको एक्सेप्ट थोड़ी कर पाएगा बट ये मैटर नहीं है अब बात क्या आती है कि यदि क्लोरोफिल हो भी जाए ह्यूमन के अंदर तो फिर हम वर्क करना छोड़ देंगे वर्क क्यों करते हैं खाने के लिए वर्क करना छोड़ देंगे तो सारा सिस्टम क्या हो जाएगा डैमेज हो जाएगा क्योंकि अभी तो क्लोनिंग को ही मंजूरी नहीं है ह्यूमन क्लोनिंग को ही तो ये तो एक डिफरेंट बात होगी मैं आपको बताना चाह रहा था कि आई ना कोई तो थोड़ी आई चाहे गलत ही क्यों ना आई हो तो बताया कि किसने बताया कि गॉड क्रिएट लाइफ विद इन सिक्स नेचुरल डे छह दिन में लाइफ आई कि फर्स्ट डे क्या कर दिया यूनिवर्स में फर्स्ट डे प्लेनेट सन मून सेकंड डे अर्थ के ऊपर क्या डेवलप कर दिया डेवलपमेंट ऑफ और या फॉर्मेशन ऑफ रिवर्स देन माउंटेन थर्ड डे क्या आए प्लांट यानी वेजिटेशन फोर्थ डे बर्ड्स एटसेट्रा फिफ्थ डे अदर एनिमल्स एंड सिक्स्थ डे ह्यूमन तो बताया कि छठे दिन गॉड ने बोला तथास्तु पहले दिन से छह दिन लगातार बोलता रहा और उस तरह से क्या आती रही अलग अलग चीजें आती रही और लाइफ का ओरिजिन हो गया विद इन सिक्स नेचुरल डे ऐसा बोला गया लेकिन ये सही नहीं है तो बताया और जो फर्स्ट क्या थे फर्स्ट जो मेल और फीमेल अब
क्रिश्चियन, क्रिश्चियन के अकॉर्डिंग, क्रिश्चियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, अब उनमें भी कंट्रोवर्सी आ गई। क्रिश्चियन बोले कि जो फर्स्ट मैन थे वो थे कौन, आदम, और फीमेल थी ईवा। कि हाँ ये ठीक है, मान लिया उन्होंने कि भाई हाँ थे, लेकिन वो हमारे थे और उनका नाम था आदम और ईवा। हिंदू भी अड़ गए, बोले ना भाई वो तो हमारे थे और भगवान भी हमारा, ब्रह्मा जी। उन्होंने उधर से बोले ना ये तो हमारे गॉड ने क्रिएट किए, इधर से हिंदू बोले नहीं हमारे ने किए, वो बोले ना हमारा का नाम था आदम और ईवा, इधर ये बोले ना आदम ईवा नहीं था, थे तो सही और भगवान ने किए, भगवान भी हमारा तो नाम भी हमारे जैसे। तो इन्होंने क्या नाम, मनु, मनु और श्रद्धा, कि भाई मनु और श्रद्धा थे फर्स्ट मेल और फीमेल। तो अब देखिए थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्रिएटेड बाय गॉड, वेरी सिंपल। तो गॉड ने क्या किया, भगवान ने आदमी को बना दिया। अब कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं, इसका कोई भी प्रमाण नहीं है, तो इसलिए इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि साइंस केवल उन चीजों को मानती है जो प्रैक्टिकल देता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि साइंस गॉड को नहीं मानती, कई बोलते हैं कि साइंटिफिक है तो गॉड को नहीं मानते, नहीं, साइंस ही सबसे ज्यादा गॉड को मानती है, नाम अलग है। साइंस ने भगवान का नाम दे दिया सुपर पावर, नेचर, नेचर इज अ गॉड, वही चीज है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी आई वो थी थ्योरी ऑफ स्पेशल जनरेशन, सॉरी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। क्या बताया, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब स्पॉन्टेनियस जनरेशन। मींस स्पॉन्टेनियस कंटिन्यू, कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी क्या कहती है कि लाइफ कम फ्रॉम एबायोजेनेसिस, लाइफ कम फ्रॉम नॉन लिविंग, लाइफ कम फ्रॉम नॉन लिविंग, कि लाइफ किससे आई, नॉन लिविंग से आई। मीन एबायोजेनेसिस, दो चीजें होती हैं एबायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस, नॉन लिविंग दैट इज एबायोजेनेसिस, दैट इज एबायोजेनेसिस। एबायोजेनिक ओरिजिन है कि नॉन लिविंग से आई, स्पॉन्टेनियस नॉन लिविंग से। लेकिन क्वेश्चन फिर वहीं आकर अटक जाता है कि क्या, कि भाई जो एबायोजेनेसिस है कि आई तो आई कैसे। तो इसके लिए पाश्चर ने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, हालांकि वो बहुत सही नहीं हो पाया, कि उसने रोटन मीट लिया, ये देखिए पाश्चर एक्सपेरिमेंट था ये, क्या बताया, यहां पर अलग अलग तीन जार लिए, उसमें टेक अ पीस ऑफ मीट, उसने क्या लिए, पीस ऑफ मीट लिए, लुईस पाश्चर थे। तो उसने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आए कहां पर, जैसे देखिए उसने क्या किया, एक को कंप्लीटली कवर कर दिया, कंप्लीटली कवर, एक के ऊपर गेज में जाली लगा दी,
इसको डिस्कार्ड भी कर दिया गया बाद में, ओपन बोल सकते हो, ओपन छोड़ दिया। तो क्या हुआ, जो इन फ्लाइज ने इनको विजिट किया, यहां विजिट किया, तो क्या हो गए, माइक्रोब्स आए, बैक्टीरिया, फंजाई एटसेट्रा, माइक्रोब्स आए मीन, तो जो माइक्रोब्स आए तो यहां तो माइक्रोब्स थोड़े ना आए, इसको डिस्कार्ड करने के लिए ऐसा किया, तो माइक्रोब्स आए, तो इससे बताया गया कि भाई क्या है यहां पर, कि यहां तो माइक्रोब्स कैसे आए, कम्स अलोंग विद फ्लाई। तो इस तरह से जो लुईस पास्टर ने क्या एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि भाई जो बैक्टीरिया वगैरह है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कि वो कहां पर आए, विजिट किया और लाइफ आई। लेकिन इस बात को, ये एबायोजेनेसिस था, तो पास्टर ने बता दिया कि भाई ये किसके साथ आए, कम विद, किसके साथ, विद फ्लाइज। तो इसलिए भी अब नॉन लिविंग से लाइफ आना तो बहुत सही नहीं मान सकते, तो ये थ्योरी भी क्या हो गई, डिस्कार्ड हो गई। तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसको और भी देखिए, इसका थोड़ा और एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको, लाइफ कम फ्रॉम नॉन लिविंग कैसे। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, मीन लाइफ कम फ्रॉम नॉन लिविंग, लाइफ आई नॉन लिविंग से। एक फिलोसोफर थे, उन्होंने देखा, एक एग्जांपल दिया, लाइफ कम फ्रॉम, फॉर एग्जांपल, लाइफ कम फ्रॉम मॉइस्ट सोयल, की लाइफ गीली मिट्टी से आई, गीली मिट्टी से कैसे आई लाइफ, वो ऐसे ही गार्डन में बैठे हुए थे, तो थोड़ा बारिश का मौसम था, तो क्या हुआ, फ्रॉग, यू नो फ्रॉग, सो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, स्किन रेस्पिरेशन शो करते हैं और ये सोयल में चले जाते हैं, तो उसने जाते हुए तो नहीं देखा उनको, लेकिन वो बाहर निकले फिर, तो उसको ये तो पता नहीं था, ये अंदर गए, उसकी तरफ से क्या सोचा उसने, कि लाइफ है ना, ऐसे ही कभी ना कभी गीली मिट्टी को ऐसे फाड़ के और लाइफ आ गई होगी, और उसने थ्योरी दे दी कि लाइफ कम फ्रॉम ए नॉन लिविंग। तो इसलिए एबायोजेनेसिस ओरिजिन बताया इसका, तो ये क्या रॉन्ग थी नहीं, ये तो फिर बताया कि जैसे किसी ने देखा ह्यूमंस रे कहां, इन हस्त भूषा, उसमें गिर गया होगा, वहां पर माइस ने क्या बच्चे दे रखे थे, तो बताया कि अरे ये तो ह्यूमंस रे गिरा ना, वो पहले देखे नहीं, बाद में देख लिए, तो ऐसे लाइफ आई। तो बता दिया लाइफ कम फ्रॉम ए नॉन लिविंग, बट देर इज नो प्रैक्टिकल प्रूफ। भाई अब डाल लो, ऐसी बात है, अब हो जाना चाहिए, लाइफ अब आ जानी चाहिए, ऐसा नहीं हुआ, तो इसलिए इस थ्योरी को भी क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड। फिर आया कॉस्मोजोइक, कॉस्मोजोइक थ्योरी, नेक्स्ट थ्योरी का कॉस्मोजोइक थ्योरी, कॉस्मोजोइक थ्योरी, और इसको हम बोल सकते हैं इंटरप्लेनेटरी थ्योरी, इंटरप्लेनेटरी थ्योरी। इंटरप्लेनेटरी थ्योरी, यू नो इंटरप्लेनेट, लाइफ कम फ्रॉम अदर प्लेनेट इन द फॉर्म ऑफ स्पोर, लाइफ कम फ्रॉम, लाइफ कम फ्रॉम अदर प्लेनेट इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, की लाइफ अदर प्लेनेट से आई इन द फॉर्म ऑफ स्पोर, कि भाई किसी दूसरे ग्रह पर क्या थे, स्पोर होंगे, और वो बाई चांस गिर गए
अर्थ पर आ गए। आफ्टर गेटिंग फेवरेबल कंडीशन, आफ्टर गेटिंग फेवरेबल कंडीशन, गेट जर्मिनेट और फेवरेबल कंडीशन आने के बाद वो क्या हो गए, उनको जो भी फेवरेबल कंडीशन मिली जर्मिनेट हो गए। जैसे आप देखते हैं कि फंगस वगैरह है, राइजोपस जैसे हमने एक टॉपिक में किया था, वो क्या हो गए, ब्रेड के ऊपर जो इनको ब्रेड मिलती है या उनको चपाती मिलती है, फेवरेबल कंडीशन मिली वो जर्मिनेट हो गए। तो ऐसे ही बता दिया कि दूसरे प्लेनेट से कोई स्पोर आए होंगे, वो गिरे, जर्मिनेट हो गए और लाइफ आ गई। तो इसका भी कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है और ये थ्योरी भी क्या हो गई, डिस्कार्ड, दिस थ्योरी आल्सो डिस्कार्डेड। तो कॉस्मोजोइक थ्योरी या जिसको हम बोल देते हैं इंटरप्लेनेटरी थ्योरी। देन तो इन सब थ्योरी के बाद जो बेस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो हम करेंगे। अब बेस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी इज आ उसको बोलेंगे एबायोजेनिक। एबायोजेनिक उसका प्रूफ है, इसलिए अब तक की जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, सबसे ज्यादा जो एक्सेप्ट की गई है, दैट इज एबायोजेनिक और नेचुरलिस्टिक थ्योरी। एबायोजेनिक और इसको हम बोलेंगे नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक और केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, एबायोजेनिक, नेचुरलिस्टिक और केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, ये अब तक की सबसे बेस्ट थ्योरी है। मे बी इससे आगे कोई आ जाए, हालांकि अभी काफी वर्क चल रहा है, लेकिन अब तक हम इसी को मानते हैं क्योंकि इसने प्रूफ भी दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी क्या कहती है, दिस थ्योरी इज एक्सेप्टेबल थ्योरी एंड गिवन बाय ओपरेन एंड हॉल्डेन, ए आई ओपरेन, अलेक्जेंडर ओपरेन। ओपरेन एक साइंटिस्ट है, ए आई ओपरेन, ओपरेन एंड हॉल्डेन, इन्होंने क्या बताया, ओपरेन एंड हॉल्डेन साइंटिस्ट, इन्होंने बताई कि लाइफ जो है, इन्होंने एक वर्ड दिया वो बहुत अच्छा था, एबायोजेनेसिस फर्स्ट एंड बायोजेनेसिस एवर सिंस। एबायोजेनेसिस फर्स्ट, एबायोजेनेसिस फर्स्ट एंड बायोजेनेसिस की, एबायोजेनेसिस थी, नॉन लिविंग थे और उसके बाद बायोजेनेसिस एवर सिंस की, एबायोजेनेसिस थे, नॉन लिविंग थे, नॉन लिविंग से लिविंग बने और वो लिविंग हमेशा के लिए रह गए। तो क्या बताया, फिर देखें और प्रूव भी दिया, एबायोजेनेसिस मीन नॉन लिविंग, नॉन लिविंग फर्स्ट, नॉन लिविंग थे फिर क्या बन गए, लिविंग, लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग फॉर्मेशन ऑफ अ लिविंग एंड देन एवर सिंस, और वो हमेशा के लिए वहां पर रह गए। तो बताया एबायोजेनेसिस फर्स्ट एंड बायोजेनेसिस एवर सिंस, और इसको किस में, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो ओपरेन की एक बुक थी ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसमें किस बात को बताया, जो बुक थी ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये सब डिस्क्राइब है उसके अंदर कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ का
और इस नेक कैसे हुआ एआई ओपनिंग एंड हार्डनिंग ने ये थ्योरी दी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बात भी ये जो लाइनिंग है मोस्ट ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसको पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस इसका मतलब क्या है किस तरह से लाइफ आई उसके बाद था कि जो इस बात को और इन्होंने क्या किया यदि कई बार ये पूछ लेते हैं 1929 थोड़ा ध्यान रख लें कंपटीशन के लिए देन आफ्टर दिस इसमें बताया क्या कि जो लाइफ है सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से चली और वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बने क्या बताया सबसे पहले क्या थे इनऑर्गेनिक सिंपल इनऑर्गेनिक से फॉर्मेशन हुआ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक से बने सिंपल ऑर्गेनिक सिंपल ऑर्गेनिक से बने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक यानी हम देखें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मूव किधर किया सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ये प्रोसेस चली उन्होंने यही बात बताई और इसको इस बात को किसने यूरे और मिलर ने इसको एक्सेप्ट भी किया कि हाँ ये सही है और उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया तो इसमें क्या बताया सिंपल से क्या बने सिंपल जैसे देखें इनऑर्गेनिक बताया जैसे कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन अमोनिया मीथेन हाइड्रोजन नाइट्रोजन तो ये क्या थे दीज आर सिंपल जो क्या थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे और उनसे क्या बने कॉम्प्लेक्स बनते रहे कॉम्प्लेक्स से फिर सिंपल ऑर्गेनिक बने और सिंपल से बने कॉम्प्लेक्स यानी ओरिजिन जो स्टार्ट हुआ तो वो कुछ यहां से हुआ इसमें एवरीथिंग अब उन्होंने बताया कि भाई ऐसे रहे होंगे कैसे कि सब कुछ वेरी सिंपल था एनर्जी मिली इनको एनर्जी कहां से मिली होगी सन रेज से वोल्केनिक इरप्शन हो रहे होंगे एवरीथिंग इन गैसेस फॉर्म तो इन सब के चलते फिर उनके अंदर क्या हुआ कॉम्प्लेक्सिटी आई वो जुड़ते गए फिर और कॉम्प्लेक्सिटी आई और जुड़ गई और कॉम्प्लेक्सिटी आई तो जो यूरे और मिलर ने एक्सपेरिमेंटल जो प्रूफ दिया उन्होंने सिंपल इनऑर्गेनिक लेकर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बना दिए लाइफ नहीं बना पाए कहीं बोलो कि उन्होंने कोई ऑर्गेनिज्म बना दिया नहीं यानी कंबाइंड करके दिखा दिया और ये बताया कि हाँ जो ओपरेन और हार्डेन बता के गए हैं वो क्या बता के गए हैं सही बताया उन्होंने जेबियस हार्डेन जो ओपरेन और हार्डेन ने बताया वो सही बताया है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बने और हम ऐसा बना भी देते हैं उन्होंने बनाया भी यहां तक और फिर बताया अब कई बार क्वेश्चन यहां से आ जाता कि एट प्रेजेंट यदि ऐसा है तो आज आप क्यों नहीं बना सकते लाइफ क्यों नहीं बन रही है तो जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो सेम नहीं है एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी नहीं है इसीलिए आज वो प्रोसेस नहीं हो पा रही है न उतना टेम्परेचर है हाँ जो अभी बताया आपको यूरे मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके अकॉर्डिंग क्या किया था उसके अकॉर्डिंग जो कंडीशंस थी उन्होंने एक सेटअप तैयार किया उसमें वो कंडीशन उन्होंने अप्लाई की और उसके बाद ये बनाए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बनाए और अभी भी इनके ऊपर वर्क चल रहा है तो बताया कि जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे वो क्या बन गए उससे क्या बन गए सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने
जैसे कि अब देखें कॉम्प्लेक्स बन गए, इनसे क्या बन गए सिंपल से, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स से क्या बन गए फिर सिंपल ऑर्गेनिक। सिंपल ऑर्गेनिक में यदि हम आ जाए तो क्या, जैसे फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड अमीनो एसिड ग्लिसरॉल एटसेट्रा बहुत सारे बन गए, ये पूरा डिस्कस करेंगे हम उसके अंदर, उसके जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके बाद क्या बन गए, इनसे बन गए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, और इस तरह से लाइफ ओरिजिनेट हुई फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट।